करें, शुरू करें क्या? शुरू करें। सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी आपको संबोधित करेंगे। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। आज सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण अहम फैसला किया और उसके तहत जहां राम का भव्य मंदिर बनना है, जिसे राम जन्मभूमि परिसर के रूप में कहा जा रहा है, वहां जो विवादित ढांचा था वो 0.313 इतना एकर का केवल पीस डिस्प्यूटेड लैंड है और जिसकी टाइटल सूट का मसला चल रहा है, लेकिन बाकी जो 91 में एक्वायर हुई थी, 94 में एक्वायर हुआ था, वो जमीन जो 67 एकर है, जिसका अभी कोई विवाद नहीं है, लेकिन जिसको केंद्र सरकार ने एक्वायर किया था और वो स्टेटस को था, वो जमीन जो मूल मालिक है उस जमीन के, उनको वापस देने का सरकार ने निर्णय किया है। सो द गवर्नमेंट हैज टेकन ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टुडे, एन इन प्रिंसिपल डिसीजन टू रिटर्न द लैंड विच इज नॉट डिस्प्यूटेड टू द ओरिजिनल ओनर्स। और इसमें राम जन्मभूमि न्यास के पास 42 एकड़ जमीन है, तो वो उनको मिल जाएगी। इसके लिए कोर्ट की परमिशन मांगी है, क्योंकि कोर्ट ने 2003 में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा था कि ये सरकार को तय करना है कि वो बाकी जमीन है उसका क्या करे। तो टुडे गवर्नमेंट हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट टू फुलफिल द ड्यूटी एज earmarked in the judgment of 2003 to restore excess land acquired in 1994. तो जो acquired land की वो देने से राम मंदिर का, जो राम जन्मभूमि न्यास का जो कल्पना होगी उसके लिए रास्ता प्रशस्त होता है। और हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ये देगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ही ये कहा था कि सरकार को इसका निर्णय करना है कि जो बाकी लैंड है उसका क्या करे, और इसलिए मॉडिफिकेशन मांगा है स्टेटस को के ऑर्डर में, कि स्टेटस को बना रहे जो 0.3 एकड़ का जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसका स्टेटस को और उसका कानूनी कामकाज चले, कोर्ट का केस चलता रहे, लेकिन बाकी जो जमीन है वो सरकार वापस देना चाहती है ओरिजिनल लैंड ओनर्स को, और उसके लिए मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर ऑफ स्टेटस को इतना मांगा है। यह बहुत बड़ी पहल है। शुरू से भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बने, और राम मंदिर बनाने के लिए जो भी रास्ता प्रशस्त करना होगा कानून के द्वारा, वो करने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा था, प्रतिबद्धता जताई थी कि लोगों की एक इच्छा है, लेकिन कानूनी जो अभी कोर्ट केस चल रहा है तो कानूनी प्रक्रिया के बाद जो उचित कदम होंगे वो उठाएंगे। हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी ने वारंवार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर चाहिए और जल्दी चाहिए, लेकिन कानूनी रूप से ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी की पहले से भूमिका रही है कि कानूनी कार्रवाई से ही ये हो। और आज का ये एप्लीकेशन, सरकार का निर्णय, ये भी एक कानूनी फैसला है, और कानून की मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये केंद्र सरकार का ही अधिकार है कि बाकी बची जमीन जो है वो मालिकों को वापस करे, इसका निर्णय तो सरकार को करना है, उसके लिए परमिशन कोर्ट की मांगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह परमिशन मिलेगी
और ये जमीन मुक्त हो जाएगी। जमीन मुक्त होने से बहुत सारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बीजेपी का पहले से स्टैंड है कि मंदिर वही बने, भव्य बने, और कांग्रेस दो मुंह से बोलती रहती है और उनका एक ही प्रयास है कि इस प्रक्रिया में कैसे बाधा डाले, कैसे रोड़े अटकाए। और इसके लिए कपिल सिब्बल का आर्ग्यूमेंट कि 19 के जुलाई के बाद ही इसकी डेट देना, यह उसका एक प्रमाण है। और वो राम को मानते ही नहीं। राम सेतु के प्रकरण में जो एफिडेविट कांग्रेस सरकार ने उस समय दिया था, उसमें तो राम एक कल्पना है, राम कोई वास्तविकता नहीं है, ऐसा कांग्रेस ने कहा था। तो देश के सामने दोनों पक्ष है। आज सरकार की इस पहल का देश भर में स्वागत हो रहा है। टुडे गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इन प्रिंसिपल डिसीजन टू रिटर्न द एक्सेस लैंड व्हिच वाज एक्वायर्ड इन 1994 टू द ओरिजिनल लैंड ओनर्स। वन ऑफ द लैंड ओनर फॉर 42 एकर्स इन दैट 67 एकर्स इज राम जन्मभूमि न्यास। सो गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू गिव लैंड बैक टू राम जन्मभूमि न्यास टू बिल्ड द दे वॉन्ट टू बिल्ड टेम्पल देयर एंड देयर फोर that land has to be given back to them, and that is what government has today decided and is doing. This was a dispute of 70 years. 2 months delay also is one hindrance, and therefore we expect that this application will be sanctioned immediately. The central government is not touching at this moment to the disputed structure where it was 0.3 acres of land, where the title suit is pending, that we are not touching at the moment. We are doing this, giving back the land for Ram Janmabhoomi Nyas and other owners, so that will pave the way. BJP always believes that the Ram temple has already been built. Every day thousands of visitors visit the temple. Now we have to make it magnificent. And that work will be done always, as we said. It is not government which will do it. It is the Ram Janmabhoomi Nyas or whatever the bodies are concerned. They will do, and they have the land there. They have already prepared, material preparation is also on. And therefore, today's application has a significant importance because it will pave the way for better understanding and better atmosphere throughout the country, and that is what we have today sought. That's all from my side. आज जो हमने काम किया है वो एक महत्वपूर्ण काम है कि 67 एकड़ में जो जमीन विवादित नहीं है, ऐसी अविवादित भूमि अपने अपने ओरिजिनल मालिकों को वापस देने का सरकार ने निर्णय लिया है, और सरकार ने उस निर्णय के अमल के लिए कोर्ट की परमिशन मांगी है, क्योंकि स्टेटस को का ऑर्डर उसमें बदलना पड़ेगा। नेचुरली राम जन्मभूमि न्यास जो है, उसका पर्पज जो है, वो फिर काम अपना कर सकते हैं। वो उनका निर्णय होगा, वो सरकार का निर्णय नहीं होता। तो इसीलिए स्टेटस को जो लगाया, क्योंकि उसको राम जन्मभूमि न्यास ने एप्लीकेशन किया है 2003 के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट के तहत। उसमें सरकार ने अब तक अपना पक्ष नहीं दिया था, क्योंकि 2004 से 14 तक कांग्रेस की राज था, और कांग्रेस ने कभी इस मांग को सपोर्ट नहीं किया। मोदी सरकार है कि जिन्होंने आज ये अप्रूवल एक तरह से इन प्रिंसिपल दिया है, और उसके अमल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन किया है। ये मुझे आश्चर्य लगता है, नहीं मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक समझ में ये भी है कि
हाँ वो बताता हूं, 56 महीने क्यों नहीं किया, हमने 10% आरक्षण किया तब भी ये सवाल सदन में कांग्रेस ने पूछा। मुझे आश्चर्य होता है जिन्होंने 56 साल में कुछ नहीं किया वो 56 महीने में क्यों नहीं किया सवाल पूछ रहे। यही दोगलापन है, और वैसा ही राम जन्मभूमि के मसले में भी है। नहीं, इसमें कोई राजनीति और चुनाव की राजनीति का संदर्भ नहीं है। ये जैसे देखो, पहले कोर्ट में डेली हियरिंग होगा जल्दी, ये मुद्दा था, और डेली हियरिंग का सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कहने के बाद भी आप 5-6 महीने ऐसे गए कि जिसमें लोगों का पेशेंस बहुत टेस्ट हो गया, और उसमें अभी तक सुनवाई रोज की शुरुआत नहीं हुई है, और इसलिए सरकार ने एक पहल करके जो अविवादित भूमि है उसको तुरंत अपने ओरिजिनल मालिकों को वापस दे दे, ताकि वो जो काम करना चाहते वो करे, इसके लिए ये निर्णय किया है। अब जब वो स्टेज आएगी तब पूछोगे ना सवाल, आज ही सारे सवाल थोड़े पूछेंगे, हम भी मिलेंगे आप भी मिलेंगे। अगर एक मिनट, न्यास, अगर न्यास की जमीन, क्योंकि मुझे, मैंने तो डिजाइन नहीं देखा है कि न्यास के भूमि में कितना होने वाला है, मूल भूमि पर क्या है, एक डिजाइन लोगों का तैयार है, लेकिन अभी जो अगर न्याय मिलता है तो न्यास अपने काम आगे बढ़ाने के लिए उनको परमिशन मिलेगी। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आज मैं जवाब नहीं देना चाहता, मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी जनता की भावनाओं को भी समझता है, कानून को भी समझता है, और 2003 का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो जजमेंट है तो इसमें सरकार पर जिम्मेवारी दी थी, आज सरकार ने वो जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए कोर्ट को एक परमिशन मांगी है कि स्टेटस को हटा दो। नहीं, लेकिन ऐसा उस समय इस्माइल के मामले में कोर्ट ने ये नहीं कहा है, कोर्ट ने यही कहा है आज के दिन में कि ये सरकार की भूमिका होगी कि ये जमीन मालिकों को वापस देना है या नहीं, ये सरकार मांग करेगी तब कोर्ट उसकी परमिशन देगी। नहीं, ऐसा हर एक का इंटरप्रिटेशन अलग है, ऐसा हमारा इंटरप्रिटेशन नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी होगी, क्योंकि देश में कानून का राज है और न्याय भी मिलेगा। ये तो कमाल है, पहले कांग्रेस वाले तय करें कि वो किस रूप में देखना चाहते हैं। राम सेतु में तो वो रावण की भूमिका में थे, और काल्पनिक है राम ऐसा बता रहे थे, तो ये काल्पनिक पात्र का थोड़ा ही ना कर रहे, तो ये किसके पक्ष में है। हाँ,
कांग्रेस ने गरीबों को हर महीने पैसे देने का जो घोषणा किया है ना उसका कोई सिर है ना पैर है और ये केवल ढकोसला है, इसमें कोई दम नहीं है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। और दूसरी बात है कि वो गरीबी हटाओ का नारा देते रहे नेहरू जी के समय से, इंदिरा जी के समय से, राजीव जी के समय भी, अब मनमोहन जी के समय भी और अब भी राहुल जी के समय में भी। तो ये बार बार केवल नारा देते हैं, गरीबी हटाने का काम मोदी जी करते हैं। और दूसरी बात है कि इन्होंने जो 5 राज्यों में पहले कांग्रेस पहले जवाब दे कि पंजाब में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में जो 10 दिन में कर्ज माफी का वायदा किया था, आज तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कर्ज माफी के वादे को उन्होंने भुला दिया और उस पर कोई काम नहीं किया। यही कांग्रेस का चरित्र है, वो केवल बोलते हैं करते नहीं, हम करते हैं बोलते नहीं। रविंदर जी, हाँ, परीक्षा पे चर्चा, भारतीय जनता पार्टी की पहले दिन से प्रतिबद्धता है पालनपुर का रिजोल्यूशन से लेकर कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। आज छोटा सा है, मेकशिफ्ट है, वो अच्छा बने, लेकिन उसके लिए कानूनी उपाय हो या दोनों पार्टियों का समझौता हो, यह हमने पहले से बताया है। आज सरकार ने जो लिया है फैसला वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही, सरकार को ये फैसला करना था कि वो बाकी जमीन का क्या करना चाहती है। तो आज सरकार ने बता दिया कि बाकी जो जमीन है वो मालिकों को वापस दी जाए। राजस्थान ने पहले 1.5 महीना हो गया कर्ज माफी का जो वादा किया उसमें एक भी किसान का कर्जा अभी तक माफ नहीं हुआ है। कर्नाटक में 50-60 करोड़ रुपए भी अभी तक किसान के माफ नहीं हुए हैं, 1.25 साल हुआ। और ज्यादा समय हुआ पंजाब में, पंजाब में भी किसान को कर्ज माफी का कोई लाभ नहीं मिला है। कांग्रेस ने केवल नारे लगाए और किसानों का विश्वासघात किया, यही वास्तविकता है। थैंक यू। हो गया ना जोश? अरे मैं नारा दूंगा, ऐसा है मैं जब वहां नारा दिया कि हाउ इज द जोश, तो सब बच्चे बोले, आप बोलेंगे नहीं।